उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर नवाज अदा करने की बात मांगेंगे तो हम हर जगह पर भागवत कथा करने का, फिर हम भी कह देंगे कि हमें जामा मस्जिद में भागवत कथा करनी है, फिर आप बताइए उचित है कि अनुचित है। तो जो प्लेस है उन प्लेसों को वहां रहने दिया जाए, और जो हमारे आध्यात्मिक पुरातन स्थान है वो हमें कानून के माध्यम से या भाईचारे के माध्यम से वापस मिले। सर, दूसरे समुदाय का ये कहना है कि अभी तक इमाम क्यों नहीं, इसमें क्या बात है, ये तो पुराना आज से लड़ाई नहीं, मुस्लिम समाज का कहना है कि 53 साल पुराना लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है जी, 353 साल पुरानी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और आगे भी ये लड़ाई जारी तब तक रहेगी जब तक हमारे शिव जी को हम आजाद न करा लें। आप सबके माध्यम से एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब तक इस केस पर निर्णायक फैसला कोर्ट न दे तब तक एक पंडित जी की व्यवस्था कर दी जाए जिससे वहां शिव जी का अभिषेक होता रहे, क्योंकि हमारे देवी देवता बिना पूजा के बिना मंत्रों के उनको शुद्धिकरण नहीं हो सकता, इसलिए एक पंडित जी चाहे वो प्रशासन की देखरेख में जाए वहां पूजा करें अभिषेक करें, ऐसी मांग में आपके चैनलों के माध्यम से करता हूँ। इसके लिए तो कोर्ट में